अदब के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री परम आदरणीय मोहम्मद अब्बास साहब से कि आए। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस मुशायरे में आकर हमारी ताकत को बढ़ाया। जोरदार तालियों से आप आदरणीय मोहम्मद अब्बास साहब का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय मोहम्मद अब्बास साहब। आले जनाब माननीय अनवार अहमद साहब के 95 यौम पैदाइश के मौके पर उन्नाव जिले के तमाम कद्दावर जिम्मेदार और जिस तरह से आज अपने बुजुर्गों का अपने कायद का सम्मान किया जा रहा है उस जन्म दिवस के मौके पर माननीय अनवार अहमद साहब जो जिला अध्यक्ष भी हैं, भाई आर्य उस्मानी साहब, सेंगर साहब जो विधायक हैं, इस्माइल साहब, धर्मेंद्र यादव जी, भाई अनीस वारसी साहब जो हमारे साथ तशरीफ लाए हैं और काबिल एहतराम सभी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उजैर अहमद साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। मैं माजरत चाहूंगा कि नाम सभी काबिल एहतराम है जो यहां बैठे हैं, वो भी सब कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब अनवार अहमद साहब का यही मुकाम, यही मर्तबा, यही इनका हक जो 95 साल की उम्र है तो 1921 में पैदा हुए होंगे और आजादी के वो तमाम मराकिब देखे होंगे जिसमें अंग्रेजों का जुल्म, तशद्दुद और जुल्म शामिल था, तमाम बदलाव के पहरों को देखकर आज अनवार साहब इस मुकाम पर हैं। और मैं अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रगुजार हूं, यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का शुक्रगुजार हूं कि अपने बुजुर्गों का एहतराम, अपने लोगों का कदर आज उन्हें जिला अध्यक्ष बना रखा है। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तमाम मंसूबों फाइज रहते हुए भी हम उन लोगों में से नहीं, किसी ने कहा जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, शेर तो किसी शहर का है लेकिन सुना रहा हूं कि जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो वो ऐसा तोता चश्म किसी का हो नहीं सकता। बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, पार्टी में काम नहीं करेंगे, घर बैठाए जाएंगे। मैं आप समझ गए होंगे जहां मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं। और खास तौर से उनके लिए तो ये भी कहा जाता है कि अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनसर यादव, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा कभी वैसा, बहुत अच्छे अदाकार हैं कि अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनसर यारो, वो सच्चा लग तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। हम बधाई देंगे समाजवादी के तमाम गयूर और खुद्दार लोगों को और अपने नेतृत्व को कि 4.5 साल की लगभग सरकार चली और हमें फक्र है कि हमने अपने कायद जनाब अनवार अहमद साहब का आज यौम में पैदाइश मना रहे हैं और हमें फक्र है कि आज हम कह सकते हैं, लोगों की आंखों में आंखें डाल क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो अक्षर थे उसे पूरा करने का काम किया। बिजली, सड़क, पानी के मामले हमने महारत हासिल करी। ये तकरीर का वक्त तो नहीं लेकर अपने कायद को मुबारकबाद के तौर पर मैं इतना कहूंगा कि इनकी कयादत में, क्योंकि इनके मशवरे से तो पूरा प्रदेश चलता है, इस बुजुर्गों के मशवरे से हमने, हम मशवरे लेते हैं, बुजुर्गों की दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं ऐसे मशवरों से और अल्लाह से दुआ करेंगे कि एक लंबे अरसे तक इनका साया हमारे सब्र पर अब्र बनकर, अल्लाह का नूर बनकर हमारे सरों पर फायज रहे ताकि आने वाली नौजवान नस्लें उससे मुस्तफीज होती रहे। ये सरकार अपने काम के बल पर हम अच्छे दिन का वादा करके गंडिया, कन्हैया, कांधला, कराना नहीं कर रहे। हम गुजरात मॉडल का वादा करके देश की सत्ता पे काबिज होकर आज विकास से दूर दूर भागने वाले लोगों से नहीं, हम तो कर्म के नाम पर, कर्मण्येवाधिकारः सत्ये मा भुलेषु कदाचन, जो गीता में कहा
समाजवादी जितने हैं, मेरे साथी जितने हैं, कर्म के बल पर काम किया है, फिर वापसी का काम करेंगे। और यही अनवर अहमद साहब को बेहतरीन योम पैदाइश की मुबारकबाद होगी कि समाजवादी पार्टी उन्होंने सभी सीटें जीतकर असली मुबारकबाद देगी। तकरीर का वक्त नहीं, फिर आपके बीच आऊंगा। मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे इश्तियाक भाई ने कहा कि आपको आना है, मुझे जनपद शामली का प्रभारी बनाया, मेरी मीटिंग आज की लगी हुई थी, मगर जब मुझे उन्होंने उनके बारे में बताया कि ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है, तो मेरे दिल ने कहा कि ऐसी शख्सियत को जाकर सलाम जरूर करो, नहीं तो बुजुर्गों की शायद में गुस्ताखी होगी। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।